पर्सनली आप मंत्री जी को मिल लीजिएगा, जो इनका स्कीम है उसको अपने क्षेत्र में ले जाइएगा। नहीं नहीं, वो पूरे देश के लिए, पर जो इतनी बड़ी समस्या बुंदेलखंड की है वैसी समस्या बाकी क्षेत्र की नहीं है। विनोद सोनकर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा एक सामाजिक संकल्प जो बुंदेलखंड की जल की स्थिति पर, अन्ना प्रथा पशुओं पर बोलने का मुझको अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं इस पर बोलूं कि न बोलूं, क्योंकि सवाल इसमें यह था, ये क्या बोलते कि जो अन्ना प्रथा की व्यवस्था है, जल के संकट है, तो अन्ना पशु, तो जल का संकट तो आज देश में बहुत विकराल रूप में सामने खड़ा हुआ है, लेकिन जो अन्ना प्रथा का विषय है वो सीधे मेरी क्षेत्र से और मेरे लोकसभा से जुड़ा हुआ विषय है। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए तो इसके पूरब में पूर्वांचल है, पश्चिम में कानपुर है, उत्तर में अवध क्षेत्र है, और दक्षिण का जो भाग है वो बुंदेलखंड से लगा हुआ है। केवल माँ जमुना का एक जमुना है जो हम लोगों को आपस में बांटती है, बांटती है, एक पार एक पार बांटती है, द्वाबा है, एक एक तरफ बुंदेलखंड है, दूसरी तरफ द्वाबा है। जब इस बिल पे चर्चा शुरू हुई तो इस पे मुख्य विषय था अन्ना प्रथा के कारण जो पशुओं को लोग छोड़ते हैं। जब मैंने ध्यान दिया उस पर तो वो समस्या अब केवल बुंदेलखंड तक नहीं है, बुंदेलखंड की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है अन्ना पशुओं को लेके कि अब लोग वहां से उससे मुक्ति पाने के लिए अपने सभी जानवरों को जमुना से पार करके मेरी लोकसभा में भेज रहे हैं। ये बड़ी संकट है, हम लोग करते हैं उधर भिजवा देते हैं, क्योंकि मेरे बगल के बांदा के माननीय सांसद जी हैं, तो निश्चित रूप से यह समस्या केवल अब बुंदेलखंड की नहीं बची है, और आने वाले समय में जिस तरह से भू जल स्तर गिर रहा है उसके कारण ये समस्या धीरे धीरे और बढ़ेगी और विकराल होती जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर देश के 1592 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 256 जिले हैं जो इस जल संकट से जूझ रहे हैं, उसमें मेरा भी जनपद है। मेरी लोकसभा में 12 ब्लॉक है, 12 में से 10 ब्लॉक डार्क जोन हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति और भी खराब होनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है उससे स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विषय का संज्ञान भी है और उनकी चिंता भी है। मैं बुंदेलखंड के किसानों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों की आय बढ़नी चाहिए, और बुंदेलखंड में वो सारी चीजें विद्यमान हैं। इनका बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, वीरों की भूमि है, जोत बड़ी है, सब कुछ होने के बावजूद आज बुंदेलखंड के लोग केवल पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उसके मूल में जो कारण है वो कारण कोई और नहीं, केवल और जल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए देश भर के किसानों को नीम कोटेड यूरिया समय पर उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करा रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है उसको मिल रही है,
लेकिन बुंदेलखंड का किसान बेचारा क्या करे, क्या करेगा फर्टिलाइजर लेके, क्योंकि पानी नहीं है वो खेती कहां से करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। अब एमएसपी का लाभ बुंदेलखंड के किसानों को कम मिलेगा, जब वो फसल पैदा करेंगे, जब उनकी फसल दिनों दिन लगातार घटती जा रही है, तो वो तो किसानी तो करेंगे नहीं। जब किसान अन्न पैदा ही नहीं करेगा तो वो कहां से उसका फसल का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को लेकर चिंतित हैं। 2014 में जब सरकार बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना की शुरुआत की। उस योजना का लाभ भी देश के किसानों को तो मिल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो चाह के भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी जो मूल आवश्यकता है वो पानी, वो उनको मिल ही नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को आय को बढ़ाने के लिए बीज से लेके बाजार तक की व्यवस्था किया है, उसका भी लाभ बुंदेलखंड के किसानों को नहीं मिल रहा है। चाहे फसल बीमा योजना हो, जब वो फसल ही नहीं करेंगे, खेती ही नहीं करेंगे, तो बीमा का भी लाभ कहां से मिलेगा। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसानों की जो मूल समस्या है वो जल है, और वो समस्या अब केवल बुंदेलखंड की नहीं बची है, आज पूरे देश में इस संकट है। मुझको लगता है ऐसे ही समय को देखते हुए रहीमन ने एक बार लिखा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष ना चूर। मोती मानुष, मोती है, मोती मानुष चूर। जब पानी ही नहीं है तो ना मोती होगी, ना मानुष बचेगा, ना चूर। इसलिए पानी की आवश्यकता कितनी है ये बात, देश में जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मुझको लगता है बुंदेलखंड पे से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद आने वाले समय में देश की जल संकट को समझते हुए नदियों को जोड़ने की शुरुआत या योजना की शुरुआत किया था। वो देश नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और अगर समय पे इसको किया जाता, शुरुआत होती, तो मुझको लगता है कि बुंदेलखंड की जो समस्या आज विकराल हो गई है इससे हम लोग बच सकते थे, चाहे इसमें थोड़ी कमी ला सकते थे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के अदूरता के कारण आज किसान केवल वहां पे खेती के पानी के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी, जो पीने का शुद्ध जल है वो भी उनको मिल नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के साथी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी को घर के काम से मुक्ति मिलेगी, समय मिलेगा तब ना पढ़ेगी, और वो भी समय में सबसे बड़ा समय तो उसको केवल पानी ले जाने में। तो देश की एक नहीं अनेक योजनाएं, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय हो, चाहे किसानों की बात हो, ये सब कुछ निर्भर करता है कि वहां पर, बल्कि बुंदेलखंड के लिए कहा जाए कि पर्याप्त पानी नहीं, अभी तो जितना आवश्यकता है, जितनी मिनिमम आवश्यकता है, जितने में जीवन चल सकता है, कम से कम उतना पानी तो बुंदेलखंड के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इसको चिंतित है, और शायद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन मोड में लेके देश में अभियान चलाए, जिसके कारण आज देश स्वच्छता की ओर बढ़ा है।
चारों ओर देश की ओर स्वच्छता दिखाई पड़ती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही इस गंभीरता को महसूस करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय का नेतृत्व भी एक ऐसे प्रदेश के नेता को दिया जो तेज तर्रार है, युवा है, जिन्होंने पूरा जीवन जल संकट के विषय में जिनका प्रदेश जूझता रहा। और ये बात मैं शर्मा जी से फिर अपने को जोड़ूंगा कि राजस्थान में जितनी चर्चा पाने का संकट का है उससे ज्यादा संकट आपके बुंदेलखंड में है। आज वहां गांव का गांव खाली है, वहां पे कोई हम लोगों से लगा हुआ क्षेत्र है ना, तो वहां पे रहने वाले लोग बचे हैं और ना तो पशु बचे हैं, और जो पशु बचे हैं व्यक्ति के साथ साथ पशु भी बेचारे अन्न और चारा और पानी के तलाश में वो भी पलायन करने के लिए मजबूर है, सड़कों पे घूम रहे हैं। वो एक नहीं अनेक समस्याएं उनसे उत्पन्न हुई हैं। अब आज वो गांव में लोगों के बीच में झगड़े का कारण है, रोड पे आ जाए तो एक्सीडेंट का कारण है, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से ये संकल्प जो सामाजिक संपर्क में लाया गया है उस पर सरकार ध्यान भी देगी, लेकिन ये केवल सरकार ये काम को अकेले करे या सरकार इसको पूरा करे ये संभव नहीं है, क्योंकि जल किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकता। जल तो केवल और केवल उसके सदुपयोग से, उसके संरक्षण से उसको बचाया जा सकता है। निश्चित रूप से मंत्री जी ने इस संबंध में सभी सांसदों को पत्र भी लिखा है और उनकी जो अपेक्षा है कि सभी सांसद, और केवल सांसद ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा, देश का हर जागरूक नागरिक, देश के सभी संभ्रांत नागरिक जिनको चिंता है, और चिंता तो जल को सभी को होना चाहिए, जब तक इसको वाटर लीडर के रूप में काम नहीं करेंगे इस जल संकट से समाधान नहीं हो सकता। मैंने भी सांसद बनने के बाद अपने कुछ संकल्प लिया कि इसको कैसे अपने मेरे ब्लॉक, मेरे लोकसभा में 8-8 ब्लॉक डार्क जोन में है। आप कल्पना करिए जब 8-8 ब्लॉक डार्क जोन में होंगे तो वहां स्थिति कितनी भयावह होगी, लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि कौशाम्बी लोकसभा माँ गंगा और माँ जमुना के अंतर्विधि में है, जिसके कारण सिंचाई की कुछ साधन को जो गंगा के कैनाल से मिल जाता है, कुछ जमुना के कैनाल से मिल जाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। आने वाले समय में जिस तरह से बढ़ रहा है तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपनी लोकसभा में एक संकल्प लिया, तय किया कि जितनी बरसाती नदियां हैं उन सब पर जितने चेक डैम बनाने की जरूरत है, मैंने अपने संबंधित अधिकारी को अपनी पहली बैठक में लेके इसको लिए रिपोर्ट बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए उनको कह दिया कि आप इसको रिपोर्ट बनाइए, योजना बनाइए, आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे मनरेगा से पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी, चाहे सांसद निधि से पैसा देने की जरूरत पड़ेगी, या जन भागीदारी के माध्यम से हम उनको पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जल बिना संरक्षण के, बिना संरक्षित किए हम इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। जल के विषय में कहा जाए तो भारत का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा। भारत की सभी सभ्यताओं का जन्म और विकास नदियों के किनारे हुआ, लेकिन जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, सरकार के प्रयास के अभाव में दिनों दिन हम लोगों ने जो दोहन किया उस हिसाब से हम लोगों ने जल का संरक्षण नहीं किया, दोहन ज्यादा किया, संरक्षण कम किया, जिसके कारण आज जल संकट देश के सामने खड़ा है। और मैं भी एक सामाजिक संकल्प मैंने मूव किया है
जल वैसे राज्य का विषय है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मैं अपना सामाजिक संकल्प ला रहा हूं उसमें मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इसको या तो केंद्र की सूची में रखा जाए और नहीं तो कम से कम समवर्ती सूची में रखा जाए, क्योंकि जल जिस समय राज्य का विषय था, जिस समय जल का संकट देश में नहीं था, उस समय तो बात समझ में आती थी इसको राज्य पे छोड़ा जाए, लेकिन अब जल संकट केवल राज्य नहीं राष्ट्रव्यापी हो गया। और कई इतिहासकार और कई जानकार तो कहते हैं अगला विश्व युद्ध अगर दुनिया में होगा तो जल के कारण होगा, इस पे संकट है। तो निश्चित रूप से हमको केवल सरकार पे निर्भर रह के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसमें हमको अपने स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब इसका बीड़ा उठाया है और जब इन्होंने अपने हाथ में लिया है तो आज सरकार की इतनी विश्वसनीयता है। मैंने पिछले भाषण में एक बात कही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, तो लोग हंस आए थे, लेकिन आज तो सभी नेता सभी वक्ता इस बात को कहते हैं कि देश में अगर मोदी है तो मुमकिन है। और मैं इस पे फिर कहता हूं अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस पे बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जल संकट से केवल बुंदेलखंड को मुक्त नहीं करेंगे, देश को भी मुक्त करेंगे। और देश को जल मुक्त नहीं करना है, देश को जल युक्त करना है। इस देश में पर्याप्त जल है, जल की कमी नहीं है, हमारे पास जल के एक नहीं अनेक स्रोत हैं। वर्षा के कारण हमको जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, हमारी छोटी बड़ी नदियां हैं जिसके माध्यम से जल मिलता है, लेकिन आवश्यकता है तो केवल संरक्षण करने की, आवश्यकता है तो उनको नए प्रबंधन करने की। माननीय गडकरी जी ने अपने एक बयान में कहा था, जवाब देते हुए ने कहा था कि जो जल हमारा जितने 5 MT 10 MT की हम लोग आपस में प्रदेश सरकारें लड़ती रहती हैं और उससे कई हजार गुना जल हम लोग समुद्र में जाने देते हैं, अगर केवल जल के मुहाने पे जो नदियां मिलती हैं समुद्र में, समुद्र के मुहाने पे अगर हम लोग वहां से बांध बना के इन जल को देश में पुनः प्रवाह के लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस देश को जल संकट से ही नहीं उबारेंगे, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा केवल सोशल इंजीनियरिंग नहीं, ऐसा सांसद जी के तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स भी है, बहुत बड़ा लाभ इससे देश को हो सकता है। देश और दुनिया, जब दुनिया में पानी का आकार होगा तो हम पानी की बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ी बाजार उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक बार बोला गया कि जब इस देश में डिब्बा बंद या बोतल बंद पानी की शुरुआत हुई तो वहां पर किसी ने कहा था कि दूध से महंगा पानी है, और आज ये हालत है कि बोतल बंद पानी दूध से भी महंगा होता जा रहा है, आने वाले समय में इसकी स्थिति और खराब होगी। मैं जैसा कह रहा था, सभापति महोदय, हम लोग यहां रुके हुए हैं केवल प्राइवेट मेंबर बिल पे, पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त बात रखी जाएगी, क्योंकि ये बुंदेलखंड की संकट केवल अब बुंदेलखंड का नहीं है, ये पूरे देश का हो चुका है। और जब मैं आपका पड़ोसी हूं तो निश्चित रूप से अगर प्रभावित हूं तो सबसे ज्यादा पहले बुंदेलखंड के बाद मैं ही होने वाला हूं, इसलिए मैं इस समर्थन में भी खड़ा हुआ हूं, आपके साथ अपने को जोड़ने के लिए भी खड़ा हूं। अब बुंदेलखंड की जो संवेदना है, जो वेदना है, जितनी वेदना और संवेदना के साथ आपने बुंदेलखंड की बात को रखा है, निश्चित रूप से ये पिछले सैकड़ों साल से बुंदेलखंड की वेदना को अपने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, कि आज दिल्ली का पूरे देश में कहीं भी अगर मजदूर मिलेंगे तो कुल दो ही जगह से, या तो बुंदेलखंड का होगा या पूर्वांचल का होगा, या पूर्वांचल का होगा। और इत्तेफाक दिखा जाए तो चाहे बुंदेलखंड हो और चाहे पूर्वांचल हो, इनका सभापति महोदय बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, ये बहुत समृद्ध प्रदेश रहे हैं, लेकिन आज समय क्या है कि यहाँ के लोग छोटी छोटी मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं, छोटे छोटे कामों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही संवेदनशील विषय है।
और इसको केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम लोगों को इसमें सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनका उपयोग को बढ़ावा देके हम भी इस समस्याओं को कुछ कम कर सकते हैं, चाहे वो पिंकल सिंचाई का माध्यम हो जिसमें जितनी पानी की जरूरत है ऐसे फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है जिसकी वजह से पानी की बचत होगी। साथ ही साथ सॉयल हेल्थ कार्ड जो भारत सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी अगर बड़े पैमाने पर जागरूक किया जाए, लागू किया जाए तो उससे भी पानी की बचत होगी। सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण बीच में याद आ गया, मैं आपको बताऊं, हम लोग पानी के पीने के लिए जो हैंडपंप लगवाते हैं, जो हैंडपंप हमारे यहाँ 30,000 से 40,000 रुपए में लग जाता है, बुंदेलखंड में वो हैंडपंप 1 से 1.5 लाख में भी नहीं लग पाता। और 1 से 1.5 लाख रुपया लगाने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बोर सफल होगा, वहां पानी मिलेगा। और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, हम लोगों के यहां भी जल स्तर लगातार गिर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को बधाई भी दूंगा कि सरकार बुंदेलखंड पे लगातार चिंता कर रही है, चाहे बुंदेलखंड के समग्र विकास की बात हो, चाहे बुंदेलखंड के जल स्रोत जल कैसे पीने का पानी हो और चाहे सिंचाई का जल हो, वो कैसे उपलब्ध हो, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं। 15,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज बुंदेलखंड को दिया गया जिससे आने वाले समय में वहां पे जल के संकट में कुछ समाधान तो रास्ता निकलेगा। और बुंदेलखंड में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से शुरुआत किया गया है, वहां पर पर्याप्त जमीन है, उद्योग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। तो जो डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की गई वो बुंदेलखंड तक आ रहा है और जब वो आएगा तो उसकी वजह से भी रोजगार आएगा। लेकिन बुंदेलखंड में रोजगार शुरू करने के लिए, इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, उद्योग शुरू करने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपके माध्यम से, माननीय जल मंत्री हैं और इन्होंने बड़ी योजना की शुरुआत की है, और सबसे पहले बुंदेलखंड में केन और बेतवा को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये जुड़ेगा तो इसकी वजह से केन और बेतवा के जुड़ने की वजह से, और ये योजना कोई नई नहीं है, अटल जी ने 37 परियोजनाओं की शुरुआत की थी, उन 37 परियोजनाओं में से एक ये भी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणविद के द्वारा जो लगातार सवाल खड़ा किया गया कि इससे इतने लाख पौधे खत्म हो जाएंगे, अपना फॉरेस्ट रेंजर खत्म हो जाएगा, उसकी समाधान के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कर दिया है। अब मुझको ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि केन और बेतवा को जोड़ने में कोई संकट है। एनजीटी से क्लियरेंस है, सरकारों के बीचों में आम सहमति है, सरकारों के बीच में पानी जल को लेकर, बंटवारे को लेकर समझौता है। तो इसको अगर हम शुरू करते हैं तो नदियों को जोड़ने का जो अटल जी ने सपना देखा था, जिसके माध्यम से हम पुनः एक बुंदेलखंड को स्थापित कर पाएंगे और साथ ही साथ देश दुनिया के सामने हम एक मॉडल भी स्थापित कर पाएंगे कि एक सफल रिवर लिंकिंग कैसे होता है। और निश्चित रूप से मैं फिर यही बात कहते हुए कि अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और अगर मोदी जी ना हो तो शायद संभव ना होता, क्योंकि इतने लंबे समय से जल का संकट देश में है, देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सब जगह जल का संकट है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से ये चीज सफल होगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और ये जब जुड़ेगा तो आने वाले समय में केन और बेतवा जब जुड़ेगा तो उससे जल के संकट का भी समाधान होगा और बुंदेलखंड के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को पुनः स्थापित करने का भी अवसर मिलेगा और देश की जल नदियों को जोड़ने का एक बढ़िया उदाहरण हम लोग पेश कर पाएंगे। यही बात कहते हुए आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं।